असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक होंगे? पहले मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी ऑफ करके आया हूँ और अभी चलते हैं, कुछ खाता पीता हूँ, देखते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरता है। दस्तरखान पे बैठ चुका हूँ और मेरी दादी जो है कल ही वापस आई हैं वो पंजाब से, तो आज खाने में क्या हो सकता है गेस करें। तो आज खाने में है सरसों का साग और मकई की रोटी, जो माय मोस्ट फेवरेट है मेरा। ये सब कुछ जब भी कोई पंजाब से आता है, मैं लाजमी बोलता हूँ कि मुझे ये सरसों का साग लाजमी खाना है। रोटी आती रहती है पंजाब से, लेकिन बहुत कम आता है, तो आज के मैं इंजॉय करने वाला हूँ बहुत। तो चलने के लिए खा लेता हूँ, उसके बाद में खाऊँ। तो खाना वगैरह खा के मैं लेट गया था, चश्मा मेरे माथे में लगा हुआ है, बिल्कुल दिल नहीं मेरा कि मैं उठूँ, कर जब कर सो जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे। बस उठता हूँ और चाय की खुशबू सब मुझे आ रही है, चलते हैं चाय पीते हैं तो निकलते हैं। The next day. Welcome back to the next day. कल रात को कल दूसरे के टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर मेरे बहुत दर्द था, फिर से ब्लॉगिंग नहीं कंटिन्यू कर सका मैं, तो अभी करते हैं कुछ नहीं। सुबह सुबह मुझे भेज दिया काम से, बट कोई बात नहीं, इस बार में मेरी मॉर्निंग वॉक हो गई। नाश्ता कर लिया है मैंने, नाश्ता करके ऊपर आया। आज नाश्ते में मैंने पापा वगैरह खाए, क्योंकि ना मेरा गला ठीक है, ना मेरे में था ठीक है, ना आराम ठीक है। अभी भी अचानक एक बोल्ट ऑफ स्टेम था मुझे, नाश्ता करने के बाद टू स्टार्ट, और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। कल का दिन मेरे साथ गुजरा, मतलब कल जब मैं घर पे था तो ठीक था, बस नींद में था, उठ के सो के चला गया, लेकिन वहाँ जाती मेरे सर में इतना शिद्दत वाला कोई दर्द स्टार्ट हुआ, अब क्या बताऊँ मैं। मैंने कहा फिर से ब्लॉगिंग नहीं होगी बाबा, हम ऐसे कल पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आज मैंने कंटिन्यू कर ली, आज भी काम लगा हुआ है मुझे। अभी बस होने सुबह के 8 हो रहे हैं, 8:30 तक मैं होऊंगा तैयार हॉस्पिटल के लिए, तब तो ज़रा रेस्ट कर लेता हूँ मैं। रेडी हो चुका हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और बस बाल वगैरह बना के शूज़ वगैरह पहन के निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। वहाँ जाके एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता ब्लॉगिंग करने का, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाके ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन इतना मसरूफ हो जाता हूँ वहाँ जाके कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं रेडी होता हूँ और निकलता हूँ, क्या बता कर लूँ। आई एम रेडी, तो मैं घर पे आ चुका हूँ ड्यूटी ऑफ करके, और फटाफट होता हूँ, फ्रेश करता हूँ, चेंज खाता हूँ खाना। आज खाने में तोरी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ना चाहते हुए मुझे खानी पड़ी ये तोरी। तो खाने पीने में हो चुका है और अब बस मैं रेडी होता हूँ लेने के लिए, बट ब्लॉग का एंड करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए नए ब्लॉग के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़, फिर मन अल्लाह, गुड नाइट, बेटर गुड इवनिंग।